तो ये है कुछ हॉरर यूट्यूबर्स के बेसिस जिनको जाके आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि सुनने में ये आया इन वर्ल्ड्स के पीछे बहुत ज्यादा तगड़ी मिस्ट्रीज छुपी हुई है। ये वर्ल्ड एकदम क्रीपी है, यहाँ पे रोज अजीब अजीब घटनाएं घटती है और इन वर्ल्ड में ऐसी भी चीजें एग्जिस्ट करती है जिसका माइनक्राफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो लेट्स सी हम यहाँ पे टिक पाएंगे कि नहीं। आप बस सब्सक्राइब करके रख लो, लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले हम मिथपैट जी के वर्ल्ड में चलते हैं। ओह, यहाँ बारिश हो रही है काफी ज्यादा एंड इवन शाम भी हो चुकी है इस वर्ल्ड के अंदर। और वो देखो वहाँ पे अबेंडेंड विलेज भी है। ऑलरेडी ये वाला वर्ल्ड मुझे थोड़ी सी डरावनी वाइब्स दे रहा है। और इन मॉब से बचते हुए हम लोग आगे चलते हैं। ओह, वो रहा मिथपैट जी का वर्ल्ड। और ये क्या ही हालत कर रखी है भाई, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। और ये क्या, दरवाजा भी खुला हुआ है यहाँ पे। हाँ, अंदर तो काफी ज्यादा शांति है एकदम, बाहर भी यहाँ पे काफी सारे मॉब्स घूम रहे हैं, पैट्स खड़े काफी ज्यादा यहाँ पे। मुझे तो ये वर्ल्ड एकदम यार नॉर्मल से ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस वाले वर्ल्ड को मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर ही रहा था और यहाँ पे यार बहुत ज्यादा शांति थी। और इसी शांति में मुझे दूर एक आवाज आती है यहाँ पे। अरे यहाँ पे आवाजें भी आ रही है डरावनी वाली कुछ। ये है तो कोई नॉर्मल माइनक्राफ्ट की केव की आवाज है, बट पता नहीं कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे इधर उधर देखा और मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मैं इस होल के पास जा रहा था ना, वो आवाजें यहाँ पे बढ़ रही थी। ये देखो जरा गाइस, ये आवाजें यहीं से तो नहीं आ रही, नीचे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। चलो कोई ना, चल के देख लेते यहाँ पे। ओके, नीचे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई। ओ, यहाँ पे एक ज़ॉम्बी घूम रहा है, निकल यहाँ से। चेस्ट वगैरह भी रख रखी है यहाँ पे। ओके, यहाँ से ऊपर चलते, कुछ है नहीं यहाँ पे। और इस वर्ल्ड में भी, एक मिनट रुको जरा, ये डॉगी पहले भी यहीं बैठा था क्या? पता नहीं गाइस मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा था, या फिर मेरा कोई वहम था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये डॉगी यहाँ पे पहले बैठा ही नहीं था। और जैसे ही मैं इस डॉगी के आसपास घूम रहा था, एकदम से पीछे एक डोर बंद करने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था कोई भाग रहा है। अरे ये कैसी आवाजें थी यार, यहाँ पे अंदर तो एक ही डोर है। अरे नहीं, ये आवाजें तो बिल्कुल सेम ऐसी आई थी अभी अभी। ओके, नीचे मुझे जाना तो नहीं है भाई, कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। एंड यहाँ पे मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है, शायद ये वो वाला सीक्रेट रूम है ना। हाँ, यहाँ पे एक स्वॉर्ड भी रखी हुई है। और ये क्या देखे जरा, अच्छा रेड स्टोन टॉर्च चाहिए। तो एंड ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है? ये रास्ता तो वही है ना जहाँ पे हम पहले गए थे। भाई खुश तो यार गड़बड़ लग रही है मुझे इस जगह में, सच बताऊं तो। चलो छोड़ो भाई, ये जगह ही थोड़ी मेरे को अलग सी लग रही है, वापस ऊपर चलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ऊपर वापस जाता कहाँ से भला, क्योंकि सामने वाली लैडर्स गायब हो चुकी थी। शायद आते टाइम मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने जंप मार दिया था सीधा ही। अरे बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे लैडर्स क्यों नहीं है, आते टाइम भी नहीं थे क्या ये? अंदर कुछ ग्रेवल्स तो पड़े हुए, इसको तोड़ ही लेते हैं। अभी तक यार मुझे नॉर्मल लग तो रहा है वैसे वर्ल्ड, कुछ ज्यादा दिक्कत लगी नहीं। हाँ, तीन चार ग्रेवल्स बहुत रहेंगे। चलो ऊपर चलते हैं वापस। ओ, काफी ज्यादा ही ऊपर है ये। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। अरे भाई कितना ऊपर है ये, अभी तक हम चले ही जा रहे हैं, आते टाइम तो बहुत ही ज्यादा कम टाइम लगा था, शायद मैंने जंप मार दिया होगा। जी हाँ गाइस, यहाँ पे मुझे सच में यार गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि वो सीक्रेट रूम यार इतना भी नीचे नहीं था और मुझे ऊपर आने में अच्छा खासा टाइम लग गया। और ऊपर से मैंने देखा तो यार ज्यादा नीचे भी नहीं लग रहा था, पता नहीं क्या ही सीन था। तो इस वर्ल्ड में मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत गड़बड़े मुझे यहाँ पे लगी थी, खासकर उस सीक्रेट रूम में यार कुछ दिक्कतें हैं, सारी आवाजें मुझे उसी तरफ ले जा रही थी। ऊपर से ये वाली जगह मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगी एंड उसके बाद यहाँ पे सुबह भी हो चुका था। ओके, अब तक तो एकदम सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है। सामने देखो कुछ अच्छे मॉब्स भी यहाँ पे स्पॉन हो चुके हैं और इस डॉगी को देख के आए जरा। हाँ, ये भी अपनी जगह पे बैठा हुआ है। और दूर दूर तक मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, बस शीप वगैरह कुछ घूम रही है यहाँ पे। चलो कोई ना, इसको हम एग्जिट मारते हैं एंड अब चलते हैं हम बीस्ट बॉय शूप के डिसरप्टेड वर्ल्ड में। बहुत ज्यादा ही खतरनाक नाम है, लेट्स गो। ओके, तो यहाँ पे हम अच्छे से आ चुके हैं बीस्ट बॉय शूप के वर्ल्ड में। ये वर्ल्ड तो यार दिखने में काफी ज्यादा सुंदर सा ही लग रहा है, सिवाही उस मून के। हो भाई, इस वर्ल्ड में यार बहुत ज्यादा ही गड़बड़ होने वाली है। और एक मिनट, ये आवाजें कहाँ से आ रही इतनी सारी, रात में भी यहाँ पे कोई विलेजर सोते ही नहीं है क्या? चेक करते हैं क्या सीन है यहाँ पे। अरे यहाँ पे तो कोई विलेजर ही नहीं है, एक भी विलेजर नहीं है यहाँ पे। और आवाजें कितनी सारी आ रही है ना भाई, मेरे को तो एक भी विलेजर नहीं दिख रहा, सारे घर यहाँ पे खाली पड़े हुए। जी हाँ गाइस, इस वर्ल्ड में आते ही यहाँ पे सारी चीजें अजीब होने लग गई थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेड मून देखा और एक पूरा ऐसा विलेज जिसमें एक भी विलेजर नहीं था और फिर भी वहां से बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी। अरे भाई, यहाँ पे सारे के सारे घर यहाँ पे खाली पड़े हुए, इवन यहाँ पे बेड भी नहीं है किसी के पास। और वाह, इस बारिश को भी अभी होना था। चलो यार इस वर्ल्ड की तरफ ही चलते हैं, यहाँ पे कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा मुझे। और ये वर्ल्ड भी यार इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। ये डॉगी क्यों आ रहा भाई ऐसे मेरी तरफ? ओ भाई, ये बड़ा गंदा डैमेज दे रहा है भाई, मेरे क्यों पीछे पड़ा हुआ है? ओके भाई, हम बस तो गए, लेकिन ये था क्या? एंड यहाँ पे तो यार बहुत सारे पेट्स ही बैठे हुए, अच्छा बात सारे के सारे हम पे अटैक नहीं कर दिए। अरे ये क्या हुआ, ये वर्ल्ड मुझे तो यार बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, हो क्या रहा था ये? जी हाँ गाइज, इस वर्ल्ड में जैसे कि मैंने बोला बहुत ज्यादा गड़बड़ थी, मुझे फालतू ने एक डॉगी ने अटैक भी कर दिया। और ये गेट भाई, इस गेट को पता नहीं क्या ही हो चुका था, ये हुआ क्या? अभी अंदर ही चलते हैं, वैसे भी हमारी हेल्थ यार बहुत ज्यादा यहाँ पे कम है। यार इन चेस्ट को मैं खोल क्यों नहीं पा रहा हूँ, नीचे है क्या कुछ? नीचे चल के देखते, शायद हमें कुछ मिल जाए यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे लगता नहीं मुझे यहाँ पे कुछ होने वाला है। बाहर मैंने बहुत सारी क्रॉप्स देखी थी, वहीं पे चल के कुछ खाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ से क्रॉप्स खानी चाहिए। चलो देखते हैं यार इनको खाने क्या ही होने वाला है। और सुनो जरा, अभी
इतने सारे विलेजर्स की आवाजें आ रही है यहाँ पे, ये सारी आवाजें इसी तरफ से आ रही होगी। वो भाई ये क्या है, इतना सारा ब्लड क्यों है यहाँ पे? और ये देखो जरा यहाँ पे किसी की लिटरली कबर खोद रखी यहाँ पे। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है यार गाइस? बट भाई ये कैसा लग रहा हूँ मैं भाई? बहुत ज्यादा अजीब सीन चल रहा है इस वर्ल्ड में। और ये कबर है किसकी यहाँ पे? और यहाँ पे इतना सारा खून खून हर हर जगह। इस वर्ल्ड से मुझे यार दूर ही रहना चाहिए था। और ये देखो जरा यहाँ पे एक भी विलेजर नहीं है, फिर भी इतनी सारी आवाज आ रही है। और ये आयरन गोलम थोड़े अलग से नहीं लग रहे? अरे इनकी बॉडी पे खून दिख रहा है मुझे यहाँ से, इसमें तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। और क्या हाल कर दिया यार अपने बंदे को। और ये कबर यार यहाँ पे क्यों खोद रखी, मेरे को समझ से नहीं आ रहा। और इसको खोदना तो मेरे हिसाब से बहुत बुरा आइडिया होने वाला है। ओके, यही देखने को तो बचा था क्या भाई? लिटरली वहाँ पे मैंने बहुत सारी फिशेस किनारे पे मरी हुई देखी। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो गया था। ना ना भाई, इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा गड़बड़ी चल रही है यहाँ पे यार। कभी गेट खुल जाता है, कभी डॉगीज अटैक कर देते हैं हमारे ऊपर। ओ अब क्या हुआ यार, ये किसी ने भाई मुझे पे अभी अटैक करा है और मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है। वाह, यही होना था। कोई ना, वापस चलते हैं फटाफट। यहाँ पे तो वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ पे आसपास मुझे ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। हम लोग लिटरली बहुत ज्यादा ही दूर आ गए यार। तो ये वर्ल्ड में आते यार सबसे पहले मुझे रेड मून दिखता है। उसके बाद भाई विलेजर्स की बहुत ज्यादा तगड़ी तगड़ी आवाजें आती है, लेकिन इस विलेज में वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। मेरे पीछे एक डॉग भी पड़ता है और वहाँ पे किसी की लिटरली कबर भी खोद रखी थी। और लास्ट में लिटरली मेरे को पता भी नहीं चला कि मेरे को किसने खत्म कर दिया। और मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं था। वेल कोई दिक्कत नहीं भाई, ये वाला वर्ल्ड तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। चलो फाइनली अब हम लोग चलते हैं टेक्नो गेमर्स के हॉरर कासल में। ओके, तो कासल के अंदर तो हम आ चुके। और भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये। एंड यहाँ पे भी बारिश हो रखी है, हर वर्ल्ड में यहाँ पे बारिश हो रही है। एंड बारिश से भला कौन ही डरता है। एंड यस, हमारी स्किन भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हो चुकी है। और यहाँ पे तो भाई थंडर वंडर गिर रही है, वो भी बहुत ज्यादा जोर से। चलो कासल के अंदर ही चल लेते हैं। और भाई साहब दिखने में कितना ज्यादा बड़ा और मैसिव सा लग रहा है। एंड ये देखो जरा यहाँ पे खून के धब्बे भी है। और इसका मतलब समझ लो गाइस, इस वाले कासल के अंदर भी बहुत सारी गड़बड़े होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह ब्लड है। और ये क्या है भाई, दिखने में तो पानी जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये अंदर की तरफ चलते हैं। और ये क्या कासल टूट रखा है यहाँ पे? ये देखो काफी सारे ब्लॉक्स यहाँ पे बिल्कुल गायब हो रखे हैं। के अंदर चलते हैं फाइनली। भाई कितना सारा खून ही खून हो रखा है यहाँ पे। और ये देखो पूरा कासल यहाँ पे पता नहीं क्यों टूटा पड़ा है। और इवन ये क्या चीज है यार, दिखने में तो ये पानी जैसे लग रहा है बिल्कुल रेड कलर में। भाई ये खून वाला पानी लग रहा है मेरे को तो। और ऊपर से यहाँ पे खून के धब्बे तो कुछ ज्यादा ही है यहाँ पे। एक काम करते हैं, हम नीचे की तरफ चलते हैं। ओ भाई कितना सारा ब्लड है ये। और ये देखो उस तरफ जा रहा है। और वो क्या है यार, ओ भाई साहब ये क्या हालत हो रखी है। यहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स को मार के ऊपर लटका रखा है। और इनकी आंखें देखो कितनी ज्यादा अजीब सी लग रही है। अरे इसको देखो यार, इसको तो बिल्कुल ऊपर ही लटका दिया है। और भाई इसको तो देख के ऐसा लग रहा है यहाँ पे सच में इसकी स्किन निकाल दी गई हो। तो गाइज इस तगड़े कासल में आते ही सबसे पहले मुझे यहाँ पे काफी सारे खून के धब्बे दिखते हैं। और इवन यहाँ पे खून की नदियां भी बना रखी थी। और ये कासल भी टूटा फूटा था एकदम। और जब मैंने उन खून के धब्बों को फॉलो करा तो मैं पहुंच गया बिल्कुल कासल के नीचे। और वहां पे बहुत सारे विलेजर्स की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो रखी थी, ऐसा लग रहा था किसी ने उनको मार रखा है। और उनकी आंखें भी काफी ज्यादा अलग दिख रही थी। तो ये सब देख के मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया और मैंने वही खून के धब्बे फिर से फॉलो करने शुरू कर दिए। तो भाई क्या ही सीन है, ये देखो कहां तक ब्लड ब्लड फैला हुआ है। ऊपर चलते हैं, यहां से क्या है। अरे नहीं, यहां पे भी बहुत सारे विलेजर्स हैं और इनकी भी नीचे वाले जैसी बिल्कुल हालत हो रखी है। इनकी आंखें देखो बिल्कुल वाइट है यहाँ पे। और भाई साहब यहाँ पे भी तगड़ी वाली तबाही मचा रखी है। और खून के धब्बे देखो ये कासल के बिल्कुल बाहर तक जा रहे हैं। अरे ये क्या हुआ भाई, इनके अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये देखो यहाँ पे जा रहे बिल्कुल खून के धब्बे। यहाँ पर मैंने उन खून के धब्बों को फॉलो करा और मैं कासल के बिल्कुल बाहर पहुंच गया। और यहाँ पे भी बहुत गंदी तरीके से तबाही मचा रखी थी। और जैसे जैसे मैं उस ब्लड को फॉलो कर रहा था, मैं जाके जू में पहुंच गया। और वहां पे भी मॉब्स की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो रखी थी उन विलेजर्स की तरह। बेचारी काऊ को यहाँ पे पूरा मार रखा और खून ही खून है यहाँ पे। एंड इवन यहाँ पे एक पिग भी है। भाई साहब क्या ही हालत कर दी इन लोगों की। और ये देखो जूक में भी यार तोड़ फोड़ मचा रखी है यहाँ पे। और इवन हर जगह यहाँ पे ब्लड ही ब्लड फैल रखा है। बाहर की तरफ चलते हैं यार, मुझे सामने हजारों पेड़ दिखते हैं, वो भी बिना लीव्स के। और मुझे ऐसा लगने लग गया इस वर्ल्ड में पक्का कोई एक एंटिटी घूम रहा हो। और उन विलेजर्स की आंखें भी बिल्कुल यहाँ पे व्हाइट हो रखी थी। इसका मतलब है गाइस, इस वाले वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हीरो ब्राइन घूम रहा है। मैं वहीं उन्हीं विलेजर्स के पास वापस जा रहा हूँ। ये देखो जरा इनकी आंखें बिल्कुल हीरो ब्राइन की तरह व्हाइट हो रखी है। और ये कैसी आवाज आई, वो बाहर से कोई आवाज आई है। ओ माय गॉड गाइस, वो देखो जरा वहां पे भाई साहब क्या ही तबाही मचा रखी है, यहाँ पे गड्ढे गड्ढे कर रखे हैं। एंड ये रहा गाइस हीरो ब्राइन का पिरामिड भी है यहाँ पे। यहाँ पे आसपास तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है। अरे ये कौन है? ओ भाई हीरो ब्राइन पीछे लग चुका हमारे।
जी हाँ गाइज, मेरा शक एकदम सही निकला। पेड़ों की लीव्स गायब होना, हर जगह खून के धब्बे और वो व्हाइट आंखें, और आखिरी में ये पिरामिड। जी हाँ, इस टाइम हीरो ब्रायन बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। उससे मैंने फाइट लेने की भी कोशिश करी, लेकिन उसने मुझे एक झटके में खत्म कर दिया। वेल गाइज, इस वीडियो को तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस साल के एंड तक हमें 2 मिलियन पहुंचना है।